हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइज, अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और काफी दिनों बाद फिर से अपने उसी रूटीन पे, यही हमारा मिट्टी का चूल्हा। दोपहर में खाना इसलिए नहीं बनाते क्योंकि यहाँ पे धूप आ जा, और ये खनियर के पौधे पे अब की बार इतने ज्यादा फूल पत्तियां टहनियां इसकी कोई खास बढ़ी नहीं, क्योंकि बारिश भी कम हुई ना, और ये सबसे ज्यादा करता है बारिश में ग्रो। और अभी मैं निकाल रही हूँ मावा, क्योंकि हमें बनानी है गुंजिया, और जो होली के लिए काफी स्पेशल मानी जाती है वो बनाएंगे हम कल, और आधी तैयारी कर देंगे आज ही, क्योंकि मैदा है हमारे पास में काफी मात्रा में। उससे जो है हम कुछ ना कुछ बनाएंगे जरूर। पहले गुंजिया बनाएंगे, फिर समोसे बनाएंगे, एक दो डिश बच्चों को पहले ही खिलाएंगे। मीठा जो है होली वाले दिन तो कोई खाता नहीं, जिस दिन धुलैंडी हो गया सब जो है पकौड़े पकवान चाट गोलगप्पे ये सब चीजें खाते रहे। तो जी, मावा निकालने में अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा दूध जो है सुबह शाम का इकट्ठा कर लिया था। ए गुड्डू, पता आज क्या हुआ? आज माँ कपड़े धो रही थी गेर में, मैं डाल के आ गई थी, उसने निकाल दिए। मैं कहने लगी जो रह रहे, मैं कहा माँ मैं धो लूंगी, तो माँ बैठी चार पाई पे, मगर चल आराम कर ले, हवा लग रही बढ़िया, आराम कर यहीं से, सोने को जी कर रहा। मैं कहा यहाँ तो माँ ने उठाया फोन, आई फोन, और माँ उस पर उंगली लगाने लगी, मगर क्या करे इसमें, माँ फोन चलाना सीख रही। ये जो विवाह के कपड़े ड्राई क्लीन पे गए थे वे आगे सारे शादी विवाह और भैया देखियो सारे इसमें, देखो ये कपड़े हैं, ये कपड़े हैं, ये भी कपड़े हैं, इतने कपड़े। तो खोया हमारा बस थोड़ी सी देर में निकल जाएगा, ये लास्ट स्टेज पे है। और जब मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी काफी रोशनी थी, और अभी काफी अंधेरा हो चुका है, और यहाँ पर सब इंतजार कर रहे किस टाइम तक निकला, क्योंकि पहले हम सोच रहे थे ये निकल जाएगा सवेरे थी तो रोटी यहीं पे बना लेंगे, लेकिन फिर प्रीति ने जो है काम शुरू कर दिया गैस के चूल्हे पे। देखो भाई, मावा निकालने में तो टाइम लगे, देखो अभी हो गया बिल्कुल, अभी ये आ गया रबड़ी की स्टेज में, जैसी रबड़ी हो है ना कुल्लन वाली। तो चलो अभी चलाती रहूँगी, अभी इसमें से छींट आनी शुरू हो जाएगी। आज मैं सुबह से नंदनी के जिम में ही हूँ, और ये मेरे जिम में है, खाना खाते सोते उठते बैठते, और अब भी देखो अभी खाना खाया तो हमने अलग अलग, पर फिर भी इन्वॉल्व रहे एक दूसरे की एक्टिविटी में, बहुत डिस्टरबेंस हुआ लेकिन फिर भी खा चुके हम खाना। और ये हमारा बड़ा बाबू और ये छोटा बाबू, तो ये एक छोटा सा दफ्तर है यहाँ पे, तो जिसमें ये छोटे बाबू हैं और ये बड़े बाबू हैं। तो ये जो दफ्तर है और इसके जो चपरासी हैं वो हम हैं, गेट पे जिसे हम चाहेंगे वही अंदर जाएगा, और इसके मथे पे वो घर का एक्सटेंशन और वही लगा देना, वो क्या कह रहे हैं ऑल आउट लगा दियो मुझे डर गया। फिर इसके बच्चे निकाट देंगे, इसकी नजर झाड़ो, और अगल बगल तीन चार जो है उन्हें लगा दो, मच्छर भगाएंगे, कोयल वोयल भी जलाऊंगा लागेगा दी। चलो आप भी भाई। अभी मावा निकल चुका है और रख दिया है रिता कर छोटे बर्तन में निकाल के फ्रिज में, और ये निकला है देखो, और सबने मुंह मिठा भी कर लिया कान्हा जी का भोग लगाने के बाद में। आगे का जो प्रोसेस है वो कल बनाएंगे गुंजिया हम लोग, कल दिखाएंगे, सबसे पहले हमने मावा निकाला है। अब चलते हैं अपने वर्क स्टेशन पर, जितनी मेरी ड्यूटी थी वो हमने पूरी कर दिया इस टाइम तक की, और फिर जो है अपना एडिटिंग का काम करेंगे अब दोनों जने चल कर। ये मैदा ले लिया है, ये ले लिया है देसी घी, और ये ज़्यादा पतला नहीं है देखो, और ये थोड़ा सा गुनगुना पानी। तो हम लगाएंगे गुंजिया के लिए अभी आटा, तो सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी, उसके बाद में जो स्टफिंग होगी इसकी, जो भी मटेरियल होगा ड्राई फ्रूट्स डाल के, वो भी तैयार करूंगी। मावा मैंने रात के टाइम ही निकाल लिया था, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ये देसी घी डाल लेंगे, और इस तरीके से मिक्स करेंगे, दोनों हाथों से मिक्स करना, जैसे मोहन डाल लेना उसमें कचौरियों में, और ये थोड़ा सा जो है आटा टाइट ही बनेगा इसका। जो गुंजिया बनाने की प्रक्रिया कल ये शाम शुरू हो गई थी, सबसे पहले मावा निकालना था जिसे खोया भी कहते हैं भाई, और यहाँ पे ये मैदा है, मैदे में थोड़े से घी की मालिश करी ताकि इसमें ताकत बन जाए, और फिर इसमें पानी डाल के इसका जो भी यहाँ पे
रॉ मटेरियल है, डो वगैरह जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कई बार, वो तैयार हो जाएगा। और भाई कुछ मैं ड्राई फ्रूट्स ले आया, कुछ रखे थे, तो ये सारा जो इंग्रेडिएंट्स है ये मन्ने इन्हें प्रिपेयर करके दे दिया। अब इनकी जिम्मेदारी बने गुंजिया तैयार करने की, और वो भी स्वादिष्ट वाली। तो मैं यहाँ बैठ कर देख रहा भाई कभी ये कुछ गड़बड़ कर दें, वैसे तो कुछ ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं बस ये है ना, आदमी बैठे होएगा थोड़ा सा अगले को फिक्र रहो जा भाई, काम बिल्कुल सही करना चाहे उसे दूसरे के सामने एजिटेशन हो जाए भले ही मुझे पता ना हो कि भाई ये कैसे बनेंगे, फिर भी ना कुछ ना कुछ कानून में बीच बीच में बताता रहूंगा अपनी तरफ से ही बना बना के। पहले भी हमने कई बार बनाई और थोड़ी स्पेशल गुंजिया बननी है वही, ऐसी ऐसी बात थोड़ा। तो यहाँ पर आटा हमने लगा के रख दिया है, अब इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं किचन में। गुंजिया बनाने के लिए हमने ले लिया यहाँ पे बादाम, किशमिश और काजू, और ये ले ली थोड़ी सी काली मिर्च। तो इनको सबको पहले हम भून देंगे, कढ़ाई मैंने गरम कर ली है और एक एक करके सारी चीज़ें भून के इनका फिर मिक्सचर बनाऊंगी। तो इसमें जितना भी घी बचा हुआ था उसमें ही मैंने ये मावा डाल दिया और ये अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम शुगर पाउडर डाल लेंगे और साथ ही इन सबको हम जिसते पीस लेंगे, ग्राइंडर में ज़्यादा पाउडर सा हो जाए ना इसलिए, तो दरदरा पीसेंगे खाने में भी टेस्टी लगेंगे। तो मावा ठंडा हो चुका है, अब डाल देते हैं इसमें शुगर पाउडर। और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, नमस्ते कर रहे हैं सारे बच्चे। क्या बन रहा नंदनी? गुंजिया। कौन कौन खाएगा? मैं गुंजिया। होली पे होली के 30 दिन से पहले मनाई जावे। मनाई जावे? और ये आ गए हैं भाई स्कूल से होली के 3 दिन पहले, और ये सब हाथ बटाओगे अभी का है? ये बढ़िया लगता है। बढ़िया इसे ना बताऊ क्या कह रही थी? गुंजिया। गुंजिया नहीं है ये, गुंजिया का रॉ मटेरियल है ये। चॉकलेट। चॉकलेट भी इसमें? अच्छा काली 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 काली। हाँ चल खा ले, चॉकलेट खराब ना कर दियो। तो आगे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है अभी, और मैं भी इसमें पूरा पूरा हाथ बटा रहा और इन्हें बता भी रहा हूँ, क्योंकि बताने वाले के 4 अन्य और बनाने वाले के 1 अन्य। कौन सी वकावत? पता नहीं, पिताजी बता सके कहावत नहीं, मेरे को पता नहीं आती। बनाने वाले का 1 पैसा और बताने वाले के 4 पैसे। अच्छा। मतलब हिस्सेदारी ज्यादा है बताने वाले की। ज्यादा पैसे है तो इसका मतलब? हाँ हर चीज में है वो, तो मेहनत करने वाले का कोई वो नहीं है। एडवाइजर जो है महंगा पड़ता ही है। अच्छा जी। हर चीज में उसे अलग क्लास करनी पड़ेगी उस चीज के लिए। क्लास क्या, सारा काम दाम जो है मॉनिटर वही तो करते हैं एडवाइजर, कैसे बनाना कैसे नहीं बनाना। और यहाँ पर ये गुंजिया बनती हुई ये देखिए, और फिर इनको तलने में टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ इनको बनाने में समय लगेगा। तो ये है जो मैं इसका बनाया था आटा, ये बढ़िया हो चुका है, उसकी बनाई जाएगी वहाँ पे पतली पतली सी रोटी, और इसे क्या बोलते हैं बाकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी जो है गुजिया ये बन के तैयार होगी। पहले इस तरह की बनाओगे और फिर इन्हें तल लेंगे, तो भाई इस तरह से ये गुजिया टाइम लगेगा सबसे ज़्यादा, ना तो रॉ मटेरियल तैयार करने में टाइम लगा, ना आटा लगाने में, और तलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इन्हें बनाकर तैयार करने में टाइम लगेगा। तो ये आ गया अब नन्ना काम, नन्ने काम में लगेगा टाइम, और इस काम को अंजाम देने में अभी
घंटों का समय लगने वाला है। तो आपको दिखा दूं मैं, ये एक फ्रेम है यहाँ पे, और इस फ्रेम के अंदर जो है इसकी पतली सी लेयर बना के ये डल ली जाएगी, और इसमें जो है ये खाने का सौदा संदा टाइप का हो गया, ये जैसे संदा बना कर रहे हैं नहीं भाई जो चकु देख रहे हैं वैसा ही होगा। इसमें बस थोड़ा सा इतने दिन हो गए हमारे घर में संदा बना हुआ, तो नंदनी के विवाह बना था है नंदू, तो वैसे ही सेम सेम। हाँ मम्मी जी ने तो खाया था आपने तो सब चीजें टेस्ट करके देख रखी हैं बेटा, आप तो अवतार हो हमारी, आपको तो सब मालूम है। और ये बैठ गए, ये भी सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने के तो है नहीं है। और इन्हें ऐसी चीजों में इंटरेस्ट बहुत आवे, स्कूल से आते ही और इन्होंने अपनी वर्दी चेंज कर दी, और वर्दी चेंज करते ही बस यहाँ पे ये देखना शुरू कर दिया। तो देखो बेटे, और ये जो है इन्होंने ये टेस्ट कर भी लिया है, कह रहे बढ़िया बन रहा है एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मन ने भी करके देख लिया, और मुझे खा के अब नींद सी आ रही, कुछ तो दोपहर का टाइम हो रहा है, आड़कस का टाइम है ही है, कुछ मौसम ऐसा ही हो रहा, ना ठंडा ना गर्म। इसकी पसंदीदा गुंजिया है ये, सोच रही मोमोज चलो जो भी सोच रहे हो आप बेटा, आपकी सोच बहुत अच्छी है, और इनकी फिलहाल सोच है गुंजिया बनाने की। तो चलो भाई इसमें मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं पूरी टीम को लेके। तो यहाँ पर ये गुंजिया हमने बना के तैयार कर दी, अब इनको तलना बाकी है, और रॉ मटेरियल हमारे पास में अभी आधा बच रहा। तो प्रीति कह रही दोबारा फिर से थोड़ा सा आटा और लगा लो, कुछ इसमें से बन जाएगी। तो अभी मैंने कढ़ाई में घी भी डाल दिया है, अब इनको जाकर तलते हैं। चलो भाई चलिए, और बच्चे जो हैं देख रहे, जब से हट नहीं रहे बिल्कुल भी यहाँ से। तो फिलहाल भाई फाइनल टच गुंजिया को देने का समय आ गया है, और यहाँ पे कढ़ाई का जो ये है घी, ये गर्म होने ही वाला है, इसका इंतज़ार चल रहा है अभी। तो जैसा कि एक डाल कर देखा करें पहले, वो ख़राब भी हो सकती है और सही भी, उससे ये पता चलेगा कि तेल हो रहा है नहीं। तेल तो ऐसे पता लगेगा, जो पकौड़ी का घोल हो उससे भी ऐसे ही थोड़ा सा डाल के देखा करें, एक बूंद सी है, देख लो भाई तेल होगा क्या, थोड़ा सा ऐसे ही टपका गया। तो इसमें पूरी गुंजिया डालनी पड़ेगी हैं, डाल दे, डाल दे, जो भी होगा देखी जाएगी। अभी हुआ नहीं है इसका मतलब, देखो बुलबुले ज़्यादा उठ रहे हैं, क्योंकि मैदा जो है फिर कच्चा लगता धीमे धीमे आंच में पड़ने लगा। अच्छा, उधर से जो है सजेशन ये आया है कि भाई इतनी आंच में ठीक है, सजेशन क्या, बनाने वाले भी है इनका करना, इनका बनाना भाई जैसे भी करेंगे हो ही जाएगा। जो भी घी भी धीरे धीरे डालते जाइएगा। और नंदनी उधर माँ से कुछ डिस्कशन उसका जारी है, हैं? माँ फ्रेम लेन गई थी, तो कह रही अरे माँ इतना पाए ना, इतना तो मम्मी ने दोनों ने बना के भी धर दी है सारी। अच्छा चलो भाई इन्हें अब इसमें डाल देते हैं डुबा डुबा के। गुंजिया हमारी बनकर तैयार हो गई है, बस ये लास्ट वाली रह रही, लेकिन मैं और आटा गूंदूंगी अभी इन्हें तलने के बाद में। तो फिलहाल मैंने इतनी सारी तल दी है, और सबसे पहला टेस्ट किया है नंदनी ने, ये देखो कैसी लगी आपको। काली मिर्च लग रही इसलिए तो यह छाट का कारी। अरे ये तो डेढ़ महीने चाहिए थे, ये अंदर है, ये तो डेढ़ महीने चाहिए थे, ये तो मुझे पसंद ही नहीं।
पसंद नहीं है, इसे पसंद नहीं है। हम कल शाम तक लगे पड़े काम में, आज इसे पसंद नहीं है। देख लो, होली स्पेशल गुंजिया बना दी है हमने, ये देखिए। आ जाओ जी, आप भी मुंह मीठा कर लो। तो जी बस यही था आज का हमारा रूटीन व्लॉग जो आपके साथ में शेयर किया है, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, जय श्री राम।